जैसे एक सज्जन उनके न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में आए मिलने, तो कहते हैं, वो पूछा उन्होंने, व्हाट यू डू मदर? औरत बोली, आई एम अ योगा टीचर। Oh Lord, I am still a student of yoga. You are a teacher. Great. मैंने ये थप्पड़ था उसके मुंह के ऊपर। आजकल तो ईंट ईंट उठाओ तो हर ईंट के नीचे की योगा टीचर सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है। मैं योगा टीचर, पर ठीक कैसा टीचर है ये तो ईश्वर जाने, लेकिन उसके सामने वो ये नहीं कह रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब है, तू टीचर कैसे बोल सकती है, ये है वो है, दूसरा, ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्यार से उसको कह रहे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है आपको मिलके, मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। जब वो चली गई तो मुझे देख के कहते, शी नोज नथिंग। उसको कुछ नहीं कहा, मुझे कह, शी नोज नथिंग, शी इज अ फूल। और ये फूल शब्द तो ऐसे ऐसे प्रचलित गुरुओं के लिए भी वो कह देते थे। कारण है उनके, अब वो जिस पदवी पर बैठे हैं, अगेन ही इज अबव ऑल द रूल्स, ही कैन से एनीथिंग। देखिए, विष्णु पुराण की कथा कहती हूँ जिसमें ज्ञानी के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है। ये बात बड़े जोर से अच्छे से समझ लेगी। एक बार ऋषि जाते हैं मिलने के लिए विष्णु को। विष्णु जी उस समय शेष पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। ऋषि जब पधारे भीतर, और विष्णु हैं वो योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, और ये आए तो गुस्से से दे मारा पैर विष्णु की छाती पे। लक्ष्मी तो हतप्रभ रहेगी, शी वाज सरप्राइज, व्हाट इज दिस। अब विष्णु जी आंख खोलते हैं और कहते हैं, ऋषिवर कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। खैर, जो भी वार्तालाप हुई, लीला हुई, वो हुई। बाद में उन ऋषि जी को लगा कि थोड़ी ज्यादा हो गई, आफ्टर ऑल विष्णु है, मैं जाके ऐसे कर दिया। तो बोले, भगवान मुझे क्षमा करिएगा। वो कहते, क्षमा? आपके चरण चिन्ह अब हमेशा मेरे छाती में बने रहेंगे, और दुनिया में कोई विष्णु की मूर्ति बने, वो ऋषि के चिन्ह अंकित किए जाते हैं विष्णु के छाती पर। ऋषि की महिमा देखो कि वो विष्णु को भी कुछ नहीं समझते। जा ठोका पैर उसको, हु आर यू? हम समस्या में हैं और तुम यहां विश्राम कर रहे हो। और विष्णु जी की भी महिमा देखिए, वो कहते हैं, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण विद्वत जन, आपके श्री चरण अब हमेशा मेरी छाती पर अंकित रहेंगे। ध्यान से देखना, कभी किसी विष्णु मंदिर में जाओ तो उसके छाती में 2 पांव के निशान बनाए जाते, ऑलवेज। उसके बगैर वो मूर्ति पूरी नहीं होती। जीवन मुक्त के ऊपर कोई नियम नहीं है, सार यही आ रहा है। लेकिन फिर एक बात बड़ी सुंदरता से कह रहे हैं कि उसके मन का सम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरामता उसके स्वभाव में थी, वो सहज उसके स्वभाव में रहती है। बाकी जो मौज आई सो करते, आई मौज फकीर की झोंपड़ा दिया जलाए। अरे प्यारे, अपना झोंपड़ा क्यों जला दिया महात्मन? कहते, बड़ी मुसीबत है, रोज झाड़ू लगाओ, रोज सफाई करो, रोज झाड़ू लगाओ, रोज सफाई करो, रोज गंदा हो जाता है, झोंपड़े को आग लगा दी। अरे महाराज सोओगे कहाँ? अरे यहीं सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे। अरे महाराज कहाँ सोओगे? तेरे ही घर सोएंगे। अपना जला दिया है, दूसरे के घर पहुंच गए हैं। वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि साधु को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। जैसे सांप बने बनाए बिल में रहता है, ऐसे साधु बनी बनाई किसी भी जगह में जाके रह ले। इसलिए वो गुफाओं को चुन लेते हैं, कंदराओं को चुन लेते हैं, वो वहाँ रह लेते हैं। और कोई घर ले जाए तो किसी के घर में भी रह लेते हैं। एक सज्जन मुझे जलंधर के हैं, उनके घर में, उनके जो एक निर्मले संत थे, उनके घर में करीब करीब 30 वर्ष रहे। बड़ा घर था और उनके लिए रहने का कमरा बना रखा था। उन्हीं के घर के ग्राउंड में, बाग में सत्संग होता था। और ये निर्मल संत 30 ईयर्स उस घर में रहे। उनका अपना कोई स्थान नहीं। यही जो शिष्य हैं, इन्हीं के पास रहते। सोच के देखिए, 30 वर्ष महात्मा घर में है, 30 वर्ष उन्होंने सेवा की है। 30 वर्ष में एक भी दिन सत्संग की छुट्टी नहीं हुई। वो रोज सत्संग करते थे, लोग उनके घर आते थे और महात्मा जी सत्संग सुनाते थे। गुरबाणी के प्रकांड विद्वान थे और वेद वेदांत के बड़े अच्छे जानकार थे। और वेदांत के अनुसार गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ सुनाया करते थे। तो क्या बड़ी बात है। आपकी कोई बुआ मौसी चाची आ जाए, 15 दिन रह ले तो 16वें दिन लगता है, पूछो कब जाए, पूछो इनको ये कब जाएंगे, बहुत दिन हो गए इनको यहाँ बैठे बैठे। एक ने कहा दिया, बुआ जी क्या प्रोग्राम है आपका, बड़ा अच्छा लग रहा है, 15 दिन हो गए पता ही नहीं चला। बुआ कहती है 15 दिन हो गए, भाई फिर तो कुछ करना पड़ेगा। एक काका बोले हाँ जी, ले फुफ्फड़ की टिकट भेज दे, वो भी यहीं आ जाता है। 15 दिन हो गए, बेचारा अकेला पड़ा है। वो सोच रहे हैं बुआ को भेजे, बुआ उसको भी बुलवा रही है। और महात्मा की भी देखिए कैसी मौज कि 30 वर्ष उसी एक घर में रहे। किसी शहर नहीं गए, किसी और के घर नहीं गए, किसी तीर्थ पे नहीं गए। 30 साल उसी घर में उन्होंने बिता दिए। धन्य है जिन्होंने सेवा की और धन्य है जिन्होंने सेवा करवाई।